ये साल चुनावी साल है और अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव आ जाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि वोटर के दिल में क्या चल रहा है, जिन्होंने पिछली दफ़ा उन्हें चुना था क्या उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरे या उम्मीदें अभी बाकी है, क्या वो नया चेहरा चाहते हैं, क्या उनके इलाके में काम हुआ, सड़क पानी बिजली तमाम बुनियादी जो ज़रूरतें हैं क्या वो पूरी हुई, और अगर नहीं पूरी हुई तो उसके पीछे वो कारण क्या मानते हैं। तो चलिए इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर उत्तर विधानसभा में और उत्तर विधानसभा की नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं। रायपुर उत्तर में विधायक है कुलदीप जुनेजा और करीबन 6 महीने के करीबन के बाद जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम इस विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जो मोहल्ले हैं उनको जाकर पूछते हैं, पता करते हैं कि यहाँ पर काम कितना हुआ है। ये लोधीपारा के पास का इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तरुण नगर जो है वो नालियाँ जो है बजबजाती नालियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सोच सकते हैं कि इस तरह की जो बजबजाती नालियों के आसपास लोग रहने को मजबूर हैं। आप यहां से लेकर पूरे इस इलाके में घूमेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह की गंदगी जो है वो यहां पर पसरी हुई है। विधायक यहां पर आते हैं नहीं आते हैं, विधायक के काम से कितना खुश हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन उसके पहले आप देखिए कि ये क्या आपको लगता है कि बतौर मनुष्य आप ऐसी जगहों पे रहना पसंद करेंगे, अपने बच्चों को रखना पसंद करेंगे जहाँ पे इस तरह से बजबजाती हुई नालियाँ मौजूद हों। हम लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, वो क्या उम्मीद करते हैं, और ऐसे समय में जब करीबन 4.5 साल का समय जो है विधायक को मिला है वो अपने काम में कितने खरे उतरे हैं। आप ये बताइए कि यहाँ किस तरह की परेशानियाँ हैं। अभी से लेके नल का पाइप ये डाला तो अभी चालू नहीं हुआ ढंग का, है ना। नाली देखो 15-20 दिन में एक बार आते हैं, झाड़ू वाले 2-4 दिन में आते हैं। नाली कई बदबू होती बेटा, बारिश में पानी भरता है, एक लाइट जल रही वहाँ से पूरा अंधेरा पड़ा है, ये सब परेशानी तो है। विधायक आते हैं क्या? कभी नहीं देखे हम तो। क्या नाम है उनका? विधायक का नाम नहीं जानते। क्या नाम है? क्या नाम है? कुलदीप जुनेजा। नहीं, वो तो इधर नहीं आता। नहीं आते? आपने देखा भी नहीं उनको? नहीं नहीं, मैं नहीं देखी अभी तक। जी जी, मैंने नहीं देखा। आपकी तबीयत भी बिगड़ जाती होगी इस तरह से नालियों के आसपास तो है। तो हम सब तो बीमार हैं। कल तो हमारा वो छोटा वाला बच्चा इसके अंदर गिर गया था, वो बैठा है जो अंधा मुँह गिर गया था इसके अंदर। इसकी शिकायत आप लोगों ने कर ली? नहीं कर बेटा, किसके पास जाएंगे, कोई सुधाव बोल देंगे करने तो कोई कुछ देखने तक नहीं आता। नहीं आते। विधायक जो होते हैं वो एक तरह गार्जियन होते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के? कभी कभी आ जाते हैं, बाकी वो लोग तो कभी नहीं आते। विधायक को नहीं देखा आपने? नहीं, नहीं आते। किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है बेटा यहाँ? जैसे लाइक बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, नालियों की गंदगी से मॉस्किटो भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो सबको उससे ज्यादा प्रॉब्लम होती है नालियों से। और 4.5 साल कोई काम नहीं देखा आपने? नहीं, सफाई थोड़ी बहुत होती है लेकिन नालियों की मतलब ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लाइट भी कम जाएगी जाती है, फिर आएगी 4-5 घंटे में। इधर स्ट्रीट लाइट वगैरह जलती है कि? बस ये एक जल रही बता रही हूँ आपको, बाकी नहीं, इधर सब बंद पड़ी, खतरा बना रहता है मतलब। जी मैं अभी बताया ना आपको, एक बच्चा गिर गया था। हाँ, वही प्रॉब्लम है सर। तो ये नाली के अंदर जो है ये पाइपलाइन बिछा दी है क्या? हाँ, ये ऐसे ये नाली के अंदर से गड्ढे से खोद के, तो बीमार पड़े पीने का पानी अभी आया नहीं है। आप ये देख सकते हैं, आप अंदाजा लगाइए कि इस तरह से नालियों के बीच से पीने के पानी की पाइपलाइन दी गई है। और ऐसे में जब कभी भी ऐसा होता है कि कभी कोई खरोच आ जाती है, पाइपलाइन फट जाती है, तो ये नाली का पानी जो है वो पीने के पानी के जरिए पहुंचता है। और उसके बाद आपने देखा था कि राजधानी रायपुर में कैसे पीलिया से मौतें हुई थी, यानी कि निमंत्रण है पीलिया को। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, क्या आपको लगता है इस इलाके में काम करने की जरूरत है और हुआ नहीं? हाँ, अभी काम तो आप देख ही रहे कि नालियाँ वगैरह साफ नहीं हो रही है प्रॉपर, और विधायक जी का भी कुछ अता पता नहीं है। हर साल भी हमारे थोड़े ढीले हैं, आते नहीं है, और प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह उतनी होती नहीं। पानी आता है? पानी टाइम से आता है। नहीं, गर्मी में दिक्कत तो नहीं होती? गर्मी में दिक्कत होती है। इस बार तो बोल रहे हैं कि 30 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, हर बार गर्मी में किस स्थिति का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? टैंकर वगैरह आता था गर्मी में, मतलब टैंकर के भरोसे रहता है। हाँ, पीने का पानी पर्याप्त नहीं आता? नहीं, गर्मियों के टाइम में नहीं आता, बाकी टाइम में ठीक है। तो घर पे तो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, दिक्कत होती होगी आपको काफी? हाँ, प्रॉब्लम्स होती है, हम लोग इधर उधर से लेके आते हैं पानी। क्या शिकायत है? वही है कि मतलब ये सफाई ठीक से नहीं हो रही, समझे? 2-4 रोज में मतलब आते हैं तो मतलब वो ऊपर का थोड़ा निकाल के चले। कौन है विधायक? विधायक तो मतलब यानी वही सरदार जी हैं, सरदार जी हैं, वही विधायक, वो तो आते ही नहीं। ना विधायक है ना पार्षद है, जितने के पास है ना विधायक है ना पार्षद है, कोई नहीं है। कौन नहीं है? कौन नहीं है? विधायक जी तो आए ही नहीं है कभी। अभी आएंगे चुनाव के समय? जब आएंगे तब देख लेंगे, जवाब देंगे। हाँ।
आप बताइए भैया, इस पूरे इलाके में क्या क्या जरूरत है आपको? हर चीज का पानी नहीं आता, रोड खराब है, नाली सफाई नहीं होता, बच्चे लोग कई बार गिरे हैं नाली में, हर चीज का यहाँ पे प्रॉब्लम। कौन है विधायक? यहाँ विधायक जुनेजा। तो कभी मिले थे उनसे बात किए? नहीं, कभी आया, आएगा जब तो बात करेंगे, कभी आया ही नहीं विधायक। हाल चाल नहीं पूछा? नहीं, कभी नहीं आया। वो तो फाफाटी चौक में बैठे रहते हैं जी। तो हम वहाँ जाएंगे कि वो आएंगे यहाँ? हाँ। बताइए, उनको आना चाहिए, आते ही नहीं। वोट के समय आए थे, चुनाव के समय आए थे? वो चुनाव के समय कोई भी नेता आता है, ऐसा वाली बात ही नहीं, कोई भी नेता आता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। आपको लगता है कि उन्होंने काम नहीं किया उस तरह से? नहीं किया जो है, किस तरह की स्थिति। लेकिन एक बार मैं फिर से आप देखेंगे कि देखिए क्या मजबूरी है कि बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं उनको अगर घर के बाहर भी बैठना है तो बजबजाती नालियों के बीच में बैठना पड़ेगा, और जाहिर तौर पे आप सोच सकते हैं कि उनकी सेहत को जो है एक इतना असर पड़ेगा। हाँ। क्या स्थिति है यहाँ पे इस इलाके की? यहाँ सफाई नहीं होती ज्यादा, नाली में कचरा रहता, निकालते हैं दो दो तीन तीन दिन तक रह आता है यहाँ, उठाते नहीं, बहुत दिनों में उठाते हैं दो चार दिन के बाद। और पानी की भी समस्या, खैर अभी तो ये नल आ रहा है, नल आ रहा है, बाकी तो बहुत गर्मी में नहीं आता पानी, एक टाइम नल आता है एक ही टाइम। फिर कैसे करते हैं आप? परेशानी होती है, वैसे करना पड़ता है जी जी। अच्छा, यहाँ पे ऐसा है क्या कि तबीयत भी खराब हो जाती है बारिश में गर्मी में? हाँ होती है ना गर्मी जी। बताइए, तबीयत खराब हो जाती है, पीलिया से ग्रस्त हो जाते हैं, गंदा पानी आता है जो नल में, पीलिया की परेशानी हो जाती है यहाँ पे हम लोगों को। अब जो नाली की सफाई दीदी, जो सामने सामने दिख रहा बस वहीं का कचरा निकालते हैं, और जो सबने निजीकरण कर लिए हैं ऊपर से ढाल दिए, उसकी सफाई नहीं होती, बारिश में पूरा गंदा पानी ऊपर आता है, घरों के अंदर घुस जाता है। हमारे घर में तो घुसता है पानी, बहुत घुसता है पानी है। अब जिनका ऊंचा बन गया उनका तो नहीं होता, लेकिन हम लोग तो बहुत परेशान होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, बड़े हमारे जेठ जी सामने रहते हैं वो पीलिया से ग्रस्त हो जाते हैं, हो जाते हैं गंदे पानी के। अच्छा, ये बताइए विधायक आए क्या कभी? विधायक जानते हैं आपको? हाँ जानते हैं, कुलदीप जुनेजा जी हैं। लेकिन देखा था आपने? अब मैं तो अंदर रहती हूँ, घर में रहती हूँ, लेकिन मोहल्ले से कोई निकलता है तो पता तो चल ही जाता है ना। हाँ, नहीं वो तो कम, मेरे को तो याद नहीं है कब आए थे। पार्षद भी हैं, वो भी पहचान के हैं कि क्या है, वो भी आते जाते चक्कर लगाते हैं, लेकिन आप तो अब कंडीशन देख ही रही हो क्या है ऐसी करके यहाँ का, तो आप देख ही रहे हो क्या कंडीशन है। सफाई झाड़ू झाड़ने वाले कर्मचारी आते हैं दीदी, सफाई कचरा नाली में डाल देते हैं, उनको कितना भी मना करो वो करो समझती नहीं है, ऐसा है तो मुश्किल है, मतलब बहुत परेशान है हम लोग। विधायक के काम से खुश है क्या? अरे विधायक तो देखते नहीं कब आते कब चले जाते हैं, उसको वो ही नहीं है। साढ़े चार साल कोई हाल तो कोरोना के हाल में भी हाल चाल पूछने नहीं आए? आए थे मगर हम लोग तो अंदर थे, वैसे बताते हैं सब लोग आए थे पूछने, दवा ववा डाले ये वो करे, उसके बाद तो पता ही नहीं है। ये आप देख सकते हैं, और भी जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इस पूरी कॉलोनी के लोगों से हमने बात की है, और जो लोग यहाँ से बात करते हैं ये बताइए कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे किस तरह की परेशानी है आप लोगों को? ये नाली साफ, नाली को ढकवाना चाहिए, मच्छर तो बहुत होता है, नाली ढका नहीं है तो नहीं होगा। अब इसी से मतलब पानी का पाइप गया है, पानी का पाइप ना, तो इसीलिए पीलिया होता है फिर। हाँ उसी से देख ना, वहीं से तो है। और नाली कितना गंदा है देखो ना, तो नाली को ढकना भी चाहिए। नहीं विधायक आए थे क्या? विधायक हालचाल पूछने के लिए आते हैं? नहीं नहीं, एक दिन बाद नहीं आए। कब देखे थे आप विधायक को? और चुनाव पहले के, चुनाव पहले के देखे हो, ओकर बाद में नहीं आई? नहीं अभी, अब आए हुए था मन देखे नहीं है भाई। हाँ लेकिन आई तो पता चल जाते ना, विधायक मन के तो ताम झाम रहते ना, बिल्कुल आते तो बहुत हाँ। भीड़ चलते हाँ, है ना हाँ। तो ये बताओ कि फिर चुनाव के समय आई तो कहाँ जवाब, कहाँ जवाब? चुनाव वोट के लिए बोलते हैं सब, सफाई करेंगे सफाई करेंगे, जब जीत जाते तो भूल जाते पूरा सफाई काम, सब अभिभावक की तरह होते हैं। हाँ सब भूल जाते हैं और क्या, नहीं भूलते हैं। वोट के लिए तो हर कोई वो करेंगे अच्छा से रखेंगे वो करेंगे, जहाँ चुनाव हुआ तहाँ सब भूल जाते हैं। खुश नहीं है आप लोग काम से विधायक के? पहले साफ कराना भैया नाली ला, पूरा ढकवाओ इसको, मच्छर पनकता है नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं कि ये नालियों के बीच से जो है पीने के पानी की पाइपलाइन गई है। ये जो तरुण नगर का इलाका है, ऐसा भी नहीं कि बहुत इंटीरियर इलाका है, मोआ के आसपास ये पूरा इलाका है और प्रमुख जो एरिया है उसमें से है। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो जो ज़्यादातर लोग हैं उनका कहना है कि ज़्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि विधायक कौन है। आप बताइए यहाँ क्या क्या शिकायतें हैं?
काम तो हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है काम नहीं हुआ है, बेटर है कि बीजेपी से भी उस समय से भी बेटर हुआ है काम। क्या काम हुआ? सड़क अच्छी बनी है और ये कि सफाई पहले भी नहीं होती थी, सफाई अभी भी नहीं होती है, पहले भी नहीं होती थी, अभी भी नहीं हुई है, ढकाओं का है, जाल भराव का है, होती थी तो इसीलिए तो आपने दूसरे को चुना कि अच्छा हो जाए, लेकिन नहीं, नहीं वो पड़ा। हुआ है काम बट बेटर नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। नहीं फिर है, संतुष्ट तो है मगर जो होना चाहिए वैसा नहीं है। जो होना चाहिए वैसा नहीं। क्या काम होना चाहिए आपको लगता है, क्या क्या काम? सबसे पहली बात तो सफाई अच्छी होनी चाहिए है ना, झाड़ू वगैरह सही सही टाइम पे लगना चाहिए, वो चीज होती है मगर वही है कि टाइम पे टाइम होता है। नालों से बड़ा बना दिए हैं हाँ। पीने के पानी की, उसको आपको लगता है उस पर सोचने की जरूरत है? नहीं पाइपलाइन तो ऐसा है कि जो पुरानी पाइपलाइन में अगर उसको कन्वर्ट करते तो उसमें बेटर होता है कि आपके खर्चे भी बढ़ते नगर निगम के, मगर वो चीज नहीं होते। जान थोड़ी दे देंगे, इसको तो सुधार होना चाहिए। ये नालियों के बीच से अगर पाइपलाइन जाती है? नहीं वो तो देखो पहले भी जो पाइपलाइन बिछी थी तो वो नालियों के बीच से ही थी। मतलब आपको लगता है कि अगर पहले अव्यवस्था में रहे अभी भी अव्यवस्था में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है? अव्यवस्था की बात नहीं है, जो पहले पाइपलाइन थी वो भी तो नाली से ही थी गई हुई थी ना, पर सुधार तो चाहेंगे ना? सुधार तो चाहेंगे मगर नाली के बाजू से पहले भी थी, आज भी थी, आज भी है, मगर काम एज इट इज है, जो पहले थी आज भी वही है, मुश्किल कम नहीं है, कुछ मुश्किल कम नहीं है। चाहे बीजेपी को चुनो चाहे कांग्रेस को चुनो, ये है कि बेटर है कि हम नाटो भी चुनते हैं तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। मतलब आपका वोट तो ले लिया, काम नहीं हुआ, ये है कि 20 साल तो आपको में आपको लगता है कि एक वोटर के तौर पे आपको हमेशा हताशा ही हाथ आती है, बस और कुछ नहीं है, निराशा ही काम आती है, हाथ आती है। तो ये आप देख सकते हैं, इधर देखिए, ये पूरा मोहल्ला आपको दिखाएंगे, हर जगह आपको बजबते आती हुई नालियां दिखाएंगी। यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, अमूमन हर घर में बुजुर्ग आपको नजर आ रहे हैं, बच्चे नजर आ रहे हैं और उनकी मजबूरी है। अम्मा परेशानी होती है इधर गंदगी से? ठंडी से नहीं होती, गंदगी से लगती है, बहुत परेशान है नालियों से। हाँ नालियों से, बच्चे बच्चे के ऊपर भी लेकर डर लगता होगा? हाँ डर लगता है ना, पकड़ती हूँ, पकड़ के निकलती हूँ बाहर। हाँ। कुत्ते उत्ते भी हैं क्या इधर? नहीं नहीं यहाँ पर कुत्ते नहीं है। विधायक कौन है आपके? ये साहू है ना। जिस विधानसभा क्षेत्र का वोटर अगर अपने विधायक का नाम नहीं बता पाता तो वोटर की गलती नहीं है, गलती होती है विधायक की, क्योंकि उसने वो सवाल ही इस बात को लेकर भी उठते हैं कि वो 4.5 साल तक के क्या उसने अपने वोटर से मुलाकात की। विधायक जो होते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के एक अभिभावक की तरह होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि अगर उनके जो अपने उनके वोटर्स हैं उनकी क्या परेशानियाँ हैं उसको ध्यान रखने की और उसकी परेशानियों को दूर करने की। ये तरुण नगर का इलाका था और यहाँ पर हमने लोगों से बात की, ज़्यादातर लोग थे जिन्हें अपने विधायक का नाम नहीं पता, उन्होंने जब चुनाव में जब कुलदीप जुनेजा वोट मांगने आए थे तब उन्हें देखा था, उसके बाद उन्होंने देखा ही नहीं। अब इसके बाद हम किसी और मोहल्ले में चलेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा से उनके वोटर कितने खुश हैं या ना खुश हैं। रायपुर उत्तर के ही एक अन्य मोहल्ले में इस वक्त मौजूद है और एक बार यहाँ पर फिर से हम आपको दिखाएंगे, अभी तक जो मोहल्ले दिखाए वहाँ पर भी दिखाए कि किस तरह से जो नालियों से लोग परेशान हैं और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कैसे जो है ये मोहल्ला नालियों से गंदी नालियों से जो है वो अटा पड़ा हुआ है। और ज़ाहिर तौर पर इस तरह से जब नालियाँ होती हैं और कई बार होता है कि पीने के पानी की पाइपलाइंस भी इनके भीतर से जाती है और जब पाइपलाइन फूट गई होती हैं तो उसके बाद पीने का पानी जो पहुँचता है उसके ज़रिए कितनी तरह की बीमारियाँ होती हैं और कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। ये जो इलाका है इसके विधायक हैं भी हैं कुलदीप जुनेजा। मजे की बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी है, यानी कि जिनको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बात की जिम्मेदारी होनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि साफ पानी साफ रहवास जो है वो अपने जो वोटर्स हैं उनको मिल सके। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि उनकी परेशानी क्या है, क्या परेशानी भैया? परेशानी ये है कि जो अभी ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उससे पूरा नाली ब्लॉक कर दिया गया है, इसकी वजह से यहाँ पे पूरा गंदगी हो जा रहा है, पूरा मच्छर से परेशान है, गंदगी पानी ब्लॉक हो जा रहा है, उधर से जो खुदाई हो रहा है पानी इधर ही निकाल रहे हैं, पूरा पानी रोड पे आ जा रहा है, बदबू हो जा रही है, इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। कुलदीप जुनेजा जी विधायक हैं और यहाँ के पार्षद है अमितेश भारद्वाज, जो कि बिल्कुल अभी इधर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। विधायक आए थे कभी? नहीं विधायक जी तो कभी आए नहीं है, कभी नहीं आए, अब आए ही नहीं है तो कभी देखी नहीं इस एरिया में अपन, लास्ट वीडियो वगैरह फोटो वगैरह में देखे होंगे। अच्छा बस और वही है, कभी हालचाल पूछने नहीं आए? नहीं हालचाल पूछने तो कभी आए नहीं है। और जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, भैया क्या हाल है आपके? मैडम अभी जब से देख रहे हैं यहाँ नाली साफ ही नहीं हुआ है,
कोरोना के समय वो ब्लॉक नहीं नहीं कोरोना के समय से नहीं, ये नाली जब से ब्लॉक है ना बहुत टाइम हो चुका है, कचरा साफ नहीं हुआ है और हाँ यहाँ बहुत मच्छर आता है अंदर, ये हमारा ऑफिस है गंदगी जी। जी जी, विधायक को कब मिले थे आप? विधायक से नहीं मिले मैडम, आते रहते हैं वो, देखते रहते हैं लेकिन उनका कोई काम नहीं है, काम नहीं है, नहीं काम नहीं किए, निकलवाते भी तो 10-10 दिन यहीं पड़े रहता है। तो ना विधायक आते हैं ना पार्षद आते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये भी इलाका जो है इस तरह से बजबजाती नालियों से भरा हुआ है, और ये भी शहर का हाल है, शहर के बीचों बीच इस तरह की स्थिति है, जो जहाँ पर प्रमुख जो है वो दुकानें हैं, व्यावसायिक स्थल है, और तमाम नेता यहाँ से गुजरते हैं। तो ये एक और मोहल्ला हमने आपको दिखाया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि वोट लेने के लिए लोग जो तमाम नेता जो हैं वो घर घर दरवाजे दरवाजे जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और एक उम्मीद जगाते हैं कि हमारे आने के बाद में तस्वीरें जो है वो बदल जाएगी, लेकिन उसके बाद भी न तस्वीर बदलती है बल्कि न जो वोटर है उसकी तकदीर बदलती है। और अभी अगर हमने बात करें तो रायपुर उत्तर में के जो ज़्यादातर लोग हैं